वेलकम टू स्टडी इजी एंड माय नेम इज अतुल कुमार और आज है क्लास नंबर 8 और आज हम करेंगे पेज नंबर 457 के जो किरण में प्रीवियस ईयर वो कैप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम जो है हाफ पेज आज कवर करेंगे, ठीक है। और आप सब जो है वीडियो देखा करो, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। देखो मेरा वो मोटिव है ही नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा भी रिवीजन हो जाता है और मैं जॉब के साथ साथ जो है इसको काम करते टाइम अपने ईयरफोन में लगा ब्लूटूथ में लगा लेता हूँ और साथ में साथ सुनता भी रहता हूँ। दो तीन बार दिन में सुनता हूँ तो मुझे फिर जो वर्ड हैं ये भूलने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो आप भी ये सब कर सकते हो। और देखो अभी रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के जॉब करने के बाद आके भी वीडियो भी बना रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्री हो, आपके पास जॉब, आप कुछ घर पे ही बैठे हो तो आपको तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आपका कंपटीशन मेरे जैसे लोगों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हैं घर पे बैठ के, दिन रात वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और वैकेंसी बहुत कम है। अगर आप इतने कैजुअल एटीट्यूड से तैयारी करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आप फिर कर ही क्यों रहे हो, छोड़ दो ना, करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मेरे पास जॉब है फिर भी मैं कर रहा हूँ ना, मुझे क्या ज़रूरत है रात को 1 बजे जागने की। आपके पास बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं होगी फिर भी आपका इतना कैजुअल एटीट्यूड है, चलो खैर वो आपकी ज़िंदगी है, जब टाइम निकल जाएगा तब आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले वर्ड लेते हैं हम डेफर। देखो डेफर का क्या मीनिंग होता है, डेफर का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज़ को जो है पोस्टपोन कर देते हो, मतलब टाल देते हो आगे की तरफ, उसको जो है आप मतलब पोस्टपोन कर देते हो किसी चीज़ को। सिंपली अगर कहें तो मतलब किसी की चीज़ की, जैसे आपका एग्ज़ाम जैसे मान लो मई में है और उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है दिसंबर या अक्टूबर, किसी भी चीज़ मतलब किसी भी तरह से आगे की तरफ उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ये मतलब होता है डेफर का। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो स्टॉल, सॉरी हाँ। देखो स्टॉल होगा क्यों, स्टॉल का भी मीनिंग क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को है आगे की तरफ पोस्टपोन कर देते हो, ठीक है। अगला वर्ड है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को प्रमाणित करते हो, मतलब किसी वैलिड वजह से, वैलिडेट मतलब किसी चीज़ को आपने क्या किया है प्रमाणित किया है, ठीक है, किसी चीज़ को सही सिद्ध करना वैलिडेट, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोरोबोरेट, सर ठीक है कोरोबोरेट होगा। देखो कोरोबोरेट का क्या मीनिंग होता है, कोरोबोरेट का मतलब होता है कि जब आप किसी आइडिया या किसी स्टेटमेंट को कुछ तथ्यों के बेस पे जो है सपोर्ट करते हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम कोरोबोरेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैलिडेट में क्या हुआ, आपने तथ्यों के बेस पे किसी चीज़ को जो है प्रमाणित किया है, और कोरोबोरेट में क्या है, आप तथ्यों के बेस पे किसी आइडिया या स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। अगला वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडरेट का क्या मतलब होता है, स्क्वेंडरेट का मीनिंग होता है देखो जो आदमी अपना पैसा या टाइम, मोस्टली टाइम से इसको जोड़ते हैं, पैसा भी है, जो आदमी अपना पैसा वेस्ट करता है या वो आदमी जो अपना समय बर्बाद करता है, ठीक है। जैसे बहुत से बच्चे हैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, अपना सिर्फ यहाँ वहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब इसी पर टाइम वेस्ट करते हैं और इसी में टाइम वेस्ट करते रहेंगे ज़िंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला है। अब वो टाइम चले गए हैं कि 2-3 घंटा पढ़ा और जॉब मिल गई, ठीक है, अब 20-25 हज़ार वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं अब, हाँ ठीक है। स्क्वेंडर मतलब जो आदमी अपना पैसा और समय वेस्ट करता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्री वॉल। देखो फ्री वॉल का क्या मतलब होता है, फ्री वॉल का मीनिंग होता है मोस्टली आप कह सकते हो जैसे कोई भी मतलब आप कह सकते हो कि जो इंसान मतलब खाली बैठा है, जिसके पास कुछ करने धरने को नहीं है, काम धंधा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा आदमी क्या करता है, अपना टाइम पास ही कर रहा है, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्क्वेंडर जो है ऐसा व्यक्ति जो अपना समय वेस्ट कर रहा है और ऐसा व्यक्ति जो खाली बैठा है, दोनों का मीनिंग सेम हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है सल्की। देखो सल्की का मतलब होता है, सल्की का मतलब होता है कि कोई आपसे रुष्ट है या कोई नाराज़ हो गया या गुस्से में है लेकिन वो आपसे उसके बारे में बात नहीं करेगा, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ, ठीक है, गुस्सा है वो लेकिन आपसे डिस्कस नहीं करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिसमल। डिसमल का मतलब क्या होता है, सैड होना, ठीक है, आपसे आप दुखी हो,
तो कहीं ना कहीं स्कल की में आपके जो सामने वाला इंसान आपसे दुखी है, परेशान है, ठीक है। और डिसमल का भी मीनिंग क्या होता है, डिसमल का मीनिंग जो होता है वो होता है कि जब आप जो है मतलब बहुत ही आप कह सकते हो आप उदास हो, आप ना मतलब आप ना खुश भी नहीं होना चाहते आप, ठीक है, मतलब आप इतने परेशान हो, आपको कोई हंसा रहा है तब भी नहीं आप हंस रहे। जैसे स्कल्की में जब कोई इंसान नाराज़ हो जाता है उसको हम मनाते हैं, उसको हम हंसाते हैं, वो हंसेगा नहीं, वैसे डिसमल में भी क्या है, आप या तो बहुत ही उदास हो या आपका मूड या आप इतने उदास हो कि आपको कोई हंसाएगा तब भी आप जो है हंसोगे ही नहीं, ठीक है। अगला वर्ड है कार्डिनल। देखो कार्डिनल का क्या मीनिंग होता है, कार्डिनल मोस्टली अगर जैसे हम यूज़ करते हैं कि जो चर्च होता है ना, चर्च का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रीस्ट होता है उसको, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। तो और दूसरा इसका मीनिंग भी होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो उसको हम कहते हैं कार्डिनल। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। अगला वर्ड है स्टिंजी। देखो स्टिंजी का क्या मतलब होता है, स्टिंजी का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ही कंजूस हो, ठीक है, जो पैसे नहीं खर्च करना चाहता है उसको कहते हैं हम स्टिंजी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू क्या, माइजर। माइजर भी क्या होता है, कंजूस, ठीक है। अगला वर्ड लेंगे अब, देखो अगला वर्ड है इंटॉक्सिकेटिंग। देखो इंटॉक्सिकेटिंग के बहुत से मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है कि जब आपने बहुत ही ज़्यादा नशा कर रखा हो, आपने शराब पी रखी हो, और एक मीनिंग और होता है कि किसी चीज़ को जो है आप जो है बढ़ावा देते हो, मतलब किसी गलत चीज़ को उकसाना भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू स्टिम्युलेटिंग। स्टिम्युलेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को आप जो है किसी चीज़ को आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, या आप किसी में गुस्सा मतलब गुस्से की फीलिंग जगा रहे हो, या किसी को एक्साइटिंग बना रहे हो, तो ये सब मीनिंग होते हैं स्टिम्युलेटिंग के। अगला वर्ड है, ये थोड़ा सा इंटॉक्सिकेटिंग और स्टिम्युलेटिंग का थोड़ा सा यहाँ पे टफ वर्ड है, ठीक है, कोई नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते भी हैं। अगला है पेरीफेरल। देखो पेरीफेरल का क्या मीनिंग होता है, पेरीफेरल का मतलब होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो उसकी, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल दूँ तो हमारी लाइफ का एम क्या है, हमें पढ़ाई करनी है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसके बजाय क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ये सब क्या है, ये पेरीफेरल चीज़ है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं हम, एक और इनएसेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इनएसेंशियल। अगला वर्ड है एजिटेटेड। देखो एजिटेटेड के बहुत से मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग होता है कि जब आप किसी को मतलब आप भड़काना, या वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, या वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है। तो एक्साइटेड का मीनिंग एक और होता है क्या, अरोस्ड। अरोस्ड का मतलब होता है या तो आप जाग के सो रहे हो, सो के जाग रहे हो, या आप इसका मतलब होता है कि आप जो है एकदम से आपकी जो भावनाएं, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप एकदम एक्साइटेड हो रखे हो, ठीक है। तो अरोस्ट का मीनिंग वो भी होता है, ठीक है। एजिटेटेड का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, एक तो गुस्सा, एंगरी होना, एनॉय होना, और एक मैंने बताया एक्साइटमेंट। अगला वर्ड है कंसाइज। देखो कंसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट होना, फालतू की बकवास नहीं, यहाँ वहाँ की बात नहीं, ठीक है। कंसाइज मतलब छोटा और एकदम टू द पॉइंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंसाइज, शॉर्ट एंड क्लियर, ठीक है। अगर तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है जैसे नॉर्मली हम बुक्स के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब वो बुक तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हम नोट्स बनाते हैं, कोई भी बुक है आपकी, लक्ष्मीकांत या आपकी जो हिस्ट्री की बुक है, बहुत मोटी मोटी, जैसे विपिन चंद्रा की बुक है, बहुत मोटी मोटी है, लेकिन आप क्या करते हो, आप नोट्स बना के उसके जो मेन पॉइंट है उनको जो है आप शॉर्ट नोट बना के लिख लेते हो, ताकि आपको बाद में पूरी बुक पढ़ने की ना ज़रूरत पड़े। तो वही मीनिंग होता है अब्रिज का, मतलब भी यही होता है जब आप किसी चीज़ को छोटा और क्लियर बनाते हो, ठीक है। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर होगा। अब अगला वर्ड लेते हैं। देखो जो अगला वर्ड है वो देखो दूसरे उसमें होगा, ठीक है, मैं ओपन कर देता हूँ उसको भी।
ओपन हो जा। हाँ देखो अगला वर्ड है व्रत। व्रत का क्या मतलब होता है? देखो व्रत का मीनिंग होता है कि जब आप जो है, अगर मैं इसका आपको लिटरल मीनिंग बताऊँ तो इसका मीनिंग होता है गुस्सा, एंगर, मतलब एक्सट्रीम लेवल का एंगर, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप में जो है गुस्सा होना, ठीक है, उसको कहते हैं व्रत। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एग्जेस्परेशन। ठीक है, एग्जेस्परेशन का मीनिंग क्या होता है? एग्जेस्परेशन का मीनिंग होता है कि इसका भी मीनिंग होता है जैसे बहुत ही बैड टेंपर, मतलब आप में बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन हो गई है, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, एग्जास्परेशन। अगला वर्ड है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मीनिंग तो सबको मतलब पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो मतलब ख़त्म हो चुकी है, जैसे हम प्रजातियों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि वो ख़त्म हो गई है, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एबॉलिश। एबॉलिश का मीनिंग भी क्या होता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। अगला वर्ड है मेलाइस। देखो सॉरी मेलिस। मेलिस का क्या मीनिंग होता है? मेलिस का मीनिंग होता है कि आप जो है किसी के लिए बुरी सोच रखते हो कि उसका नुकसान हो जाए, ठीक है, किसी के प्रति बुरी भावना, या किसी आप ये सोचते हो कि उसका बुरा हो जाए, ठीक है, मतलब यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उसका भला नहीं चाह रहे, आप उसको बुरा चाहते हो, तो वो मीनिंग होता है मलाइस का। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिटरनेस। बिटरनेस भी क्या होता है? कड़वाहट, मतलब किसी इंसान में, दो इंसानों में, रिश्तों में क्या है, कड़वाहट है, या उनके बीच में कैसी है, आपस में बनती नहीं है, कड़वाहट है। तो जब आप में बिटरनेस होगी तो आप क्या चाहोगे? एक दूसरे का क्या नहीं चाहोगे? आप भला नहीं चाहोगे, मतलब एक दूसरे का बुरा चाहोगे। तो मलाइस का मीनिंग क्या होता है? दूसरे के लिए बुरी भावना रखना, उसके लिए बुरा सोचना। अगला वर्ड है सस्टेन। देखो सस्टेन का मीनिंग सबको पता होगा, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। सस्टेन का मतलब होता है कि आप जब मतलब किसी चीज़ को सर्वाइव करना, या किसी चीज़ को आपने लंबे समय तक बनाए रखा है, ठीक है, तो लंबे समय तक बनाए रखने को क्या कहते हैं? आपने कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यू रखा है, जैसे आपको अपनी जो स्टडी है उसको सस्टेन रखना है, मतलब उसको कंटिन्यू रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंटिन्यू, ठीक है। अब अगला वर्ड लेंगे। अगला वर्ड है दूसरे पेज में, ठीक है। अगला वर्ड है एलोप। देखो एलोप का क्या मीनिंग होता है? एलोप का मीनिंग होता है कि जब आप घर से या कहीं से भाग जाते हैं, क्यों? शादी करने के लिए, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन जी के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड एलोप, ठीक है, भगा के लिए जाते थे वो। तो ये गलत सेंस में नहीं था, गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, अगर किसी भावना को ठेस पहुँचती है तो उसके लिए सॉरी है, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल था। एलोप का मतलब होता है कि जब आप शादी करने के लिए अपने कहीं से भाग जाते हो या अपने घर से भाग जाते हो, उसको एलोप कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का क्या मतलब होता है? देखो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी कहीं से भाग जाना, ठीक है, मतलब भाग जाना कहीं से, उसको कहते हैं एब्सकॉन्ड। अगला वर्ड है इवेड। इवेड का क्या मीनिंग होता है? देखो इवेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, मतलब इग्नोर नहीं, इग्नोर अलग वर्ड हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि किसी चीज़ से भागना, कहीं से भागना, मतलब किसी चीज़, आपको कहीं मीटिंग में जाना था या कहीं आप, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको कहीं मीटिंग में जाना था, लेकिन आप वहाँ से क्या कट लिए, मतलब कट लेना, ठीक है, खिसक लेना, उसको कहते हैं इवेड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या? बाईपास। बाईपास का भी क्या मीनिंग होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं साइड से, जैसे हम रोड में नहीं बोलते ये बाईपास है, मतलब जो मेन रूट होता है वो नहीं, मतलब हम कहीं से खिसक लेते हैं, मतलब कल्टी कमा लेते हैं। अगला वर्ड है रेलिन्क्विश। रेलिन्क्विश का क्या मतलब होता है? रेलिन्क्विश का मीनिंग होता है कि जो है आप किसी, जैसे आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनसे क्या कर लेते हो? पलड़ा झाड़ लेते हो, ठीक है, आप मना कर दो, भैया मेरे मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा ये, ठीक है, उसको कहते हैं हम रेलिन्क्विश। जैसे आपको आपके आप पे कोई भी जिम्मेवारी, जैसे आपके घर वालों ने आपको कह दिया कि भैया जाओ छत पे जाके जो है मोटर ऑन करके आ जाओ, सबके घर में यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, खासकर जो छोटे होते हैं घर में, तो उनको बोलते जा भैया चौथे माले पे जा और मोटर ऑन करके आ जा, या चौथे माले पे जा और देख के पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कहते हैं मैं नहीं जा रहा, ठीक है,
और आपको बोलते हैं ये रोज़ तेरा ही काम है, रोज़ की तेरी ड्यूटी है। अब तो आप कहते हो भाई मैं नहीं करूँगा, ठीक है ये, तो क्या कर रहे हैं आप? डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब रिफ्यूज़ल, मना कर देना। ठीक है, अगला वर्ड है एनवी। एनवी का सबको मीनिंग पता होगा, एनवी का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। ठीक है, तो बहुत ईजी हो गया ऑप्शन नंबर टू, हेटरेट मतलब नफरत करना। अगला वर्ड है हारमनी। हारमनी का मतलब क्या होता है? जब आप जब लोग जो है प्यार से और शांति से रहते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम हारमनी। जब लोगों में क्या हो, भाईचारा हो, प्यार से रहते हैं शांति से, उसको कहते हैं हम हारमनी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखो क्लैश तो आपको सबको पता है क्या होता है, लड़ना मतलब मतभेद हो जाना, डिसएग्रीमेंट मतलब एग्री नहीं करना, वो फाइटिंग, तो फाइटिंग में तो कहीं पीस है ही नहीं, ये तो झगड़ने वाली चीज़ है। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या? ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं कहता हूँ 90% बच्चों को ये कंसेंसस का मतलब पता ही नहीं होगा। ठीक है, कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ से आप एग्री करते हो। ठीक है, आप जो है उसकी मतलब किसी भी तरह का आप जो है एग्रीमेंट कर लेते हो, मतलब आप सहमति दिखाते हो, उसको कहते हैं हम कंसेंसनेस। ठीक है, कंसेंट जैसे हम बोलते हैं ना, कंसेंट देना मतलब हामी का भरना, तो उसी से है, देखो उसी से निकला है ये कंसेंसस, मतलब हामी भरना। ठीक है, एग्री करना। अगला वर्ड है डिस्पेयर, तो ये लास्ट वर्ड है आज का। ठीक है, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? देखो डिस्पेयर का मतलब होता है कि आप जो है आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। ठीक है, मतलब आप बहुत ही पैथेटिक मतलब बुरी हालत में हो, इसको कहते हैं हम डिस्पेयर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टू, मिजरी। मिजरी का भी मतलब क्या होता है कि जब आपका समय सही ना हो, मतलब या आप बहुत ही ज़्यादा दुखी में हो, गरीबी में हो, मुसीबत में हो, उसको कहते हैं मिजरी। ठीक है, तो यही वीडियो को जो है एंड करते हैं, और एक वर्ड और रह गया, सॉरी। देखो परफिड्यूस, परफिड्यूस का क्या मतलब होता है? परफिड्यूस का मतलब होता है, परफिडियस का मतलब होता है कि जब आप जो है कोई भी ऐसा कोई भी इंसान या कोई भी मतलब जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, जो धोखेबाज हो, ठीक है, ड्यूबियस, ड्यूबियस वर्ड हमने किया था ना, जो धोखेबाज हो उसको कहते हैं, जो लॉयल ना हो उसको कहते हैं हम परफिडियस। ठीक है, परफिडियस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बहुत ईजी हो गया, ऑप्शन नंबर टू, डिसलॉयल। डिसलॉयल का मतलब भी सबको मालूम होता है क्या होता है? जो क्या ना हो, जिस पे भरोसा, ट्रस्टवर्दी ना हो, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप पढ़ाई करें, अच्छे से करें, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो भैया आप पढ़ोगे ही नहीं। देखो आप नहीं तो कोई और पढ़ जाएगा, वो और सीट ले जाएगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पर मेरे साथ आपका इतना कॉम्पिटिशन नहीं है क्या? चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है, अपने पेरेंट्स पे बोझ बन के रहना तो रहो। ठीक है, तो यहीं वीडियो को एंड करते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।